सिंगरौली जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते प्रशासन की चिंताएं बढ़ गई है, जिसको लेकर अब मास्क अभियान चलाकर सड़कों पर कलेक्टर और एसपी उतरे हैं, बिना मास्क मिले लोगों पर कार्रवाई कर रहे हैं। सिंगरौली जिले में आज कलेक्टर और एसपी नए अंदाज में नजर आए। जिले के दोनों बड़े अधिकारी साथ सड़कों पर पैदल मार्च करते दिखे। इस पहल का उद्देश्य था लोगों को मास्क पहनाने की समझाइश देना और बिना मास्क घूम रहे लोगों पर कार्रवाई करना। कलेक्टर राजीव रंजन मीणा और एसपी वीरेंद्र सिंह जब जनता के बीच पहुंचे तो लोग पहले तो कुछ समझ ही नहीं पाए, जिसके बाद प्रशासन की टीम ने बेटन शहर में बिना मास्क घूम रहे लोगों पर चालानी कार्रवाई की। पैदल मार्च पर निकले पुलिस कप्तान वीरेंद्र सिंह ने बताया कि कोरोना का संक्रमण सिंगरौली जिले में तेजी से फैल रहा है, इसके लिए लोगों को मास्क पहनना ही होगा। प्रशासन समझाइश के साथ सख्त कार्रवाई भी करेगा। गौरतलब है कि महीने भर भी सिंगरौली जिले में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 3 दर्जन से ज्यादा हो गई है, जिसके बाद अब सिंगरौली जिले के दोनों बड़े अधिकारी लापरवाह लोगों को नसीहत देने सड़कों पर उतरे हैं। मौके पर कलेक्टर राजीव रंजन मीणा, एसपी वीरेंद्र सिंह, एडिशनल एसपी अनिल सोनकर सहित अन्य प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। कि पूरे देश में कोरोना के केसेज निरंतर बढ़ रहे हैं, सिंगरौली में भी पिछले दिनों में जो केसेज हैं उनकी संख्या में निरंतर वृद्धि हुई है। उसी को देखते हुए सबसे जो महत्वपूर्ण इस रोकथाम के लिए जरूरी है वो है मास्क लगाना और एक सामाजिक दूरी का पालन करना। तो मास्क लगाने के लिए सभी को प्रेरित करना, हमारी पूरी टीम लगी हुई है जो मार्केट में लोगों को समझाइश दे रही है, जो लोग नहीं के बारे में जानकारी रख रहे हैं उनको बताया भी जा रहा है, कहीं अगर उल्लंघन पाया जाता है तो जुर्माने की कार्रवाई जिसमें की जा रही है। इसमें ये बहुत सारी टीम्स हैं, उन निरंतर कार्रवाई कर रही है, तो अभी ये आंकड़ा देना तो अभी संभव नहीं होगा और ये एग्जाई आंकड़ा भी रात में देर तक बनता है, जिससे कि पूरी लगभग हमारे पास 15-20 टीमें हैं जो लगातार मार्केट से भ्रमण कर रही हैं और उनको जागरूकता के साथ में उनको समझाइश भी दे रही है कि वो जो गाइडलाइन है। सिंगरौली से उपेंद्र दुबे की रिपोर्ट।